हेलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप सब देखिए बिहार यूनिवर्सिटी में पांच कोर्स का एग्ज़ाम हो गया है छठा कोर्स आपका जनरल स्कूल बाद, बाद में एग्जाम उससे पहले आपका मेट्रिक का एग्ज़ाम डेट दे दिया है एक तारीख को एग्जाम होगा गया एक जून को तो देखिए बिहार यूनिवर्सिटी बी फर्स्ट ईयर कोर्स सेवन अभी आपको बायोलॉजी बायोलॉजिकल साइंस का बी वी क्वेश्चन बताएंगे आपका इससे पहले हम ए, हिस्ट्री फिजिकल साइंस मैथ का बता चुके हैं अब हम हाँ आपको बताएंगे बायोलॉजिकल साइंस का समझ गए जिनका जूलॉजी और बोटनी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहता है उनको मिलता है इनमें तीन यूनिट मिलेगा तीन यूनिट में आपका छः क्वेश्चन देगा और प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न चयन करते हुए कुल तीन प्रश्नों का उत्तर देना है चालीस पेपर चालीस नंबर का ये पेपर होता है और तीन घंटा आपको टाइम मिलेगा समझ गया अठारह नंबर पर पास है तो देखिए लिखा हुआ है पहला यूनिट वन में क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शिक्षण के प्रकृति क्षेत्र उद्देश्य का महत्व का वर्णन करें अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शिक्षण का विद्यालय के अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित करें और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण को क्यों बल दिया जाता है अब आते हैं यूनिट टू का क्वेश्चन है कि पटचर्या को परिभाषित करें पटचर्या निर्माण के सिद्धांत बताइए और चौथा क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान पटचर्या सुधार हेतु तो एन सी के सुझावों को स्पष्ट करे और उसके बाद एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है एक जीव विज्ञान शिक्षक या पाठपुस्तक के गुण एवं विशेषता का वर्णन करें यूनिट थर्ड का क्वेश्चन है जीव विज्ञान शिक्षण की कौन कौन सी शिक्षण विधि है इनमें किन्हीं दो शिक्षण विधियों का वर्णन करें छठा है माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए आप जीव विज्ञान प्रयोगशाला की व्यवस्था कैसे करेंगे वर्णन करें एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित दो दो संक्षिप्त टिप्पणी लिखें जीव विज्ञान शिक्षण में शिक्षक सहायक सामग्री जल जीवशाला का बनावट संश्लेषण विश्लेषण विधि विज्ञान मेला तो देखिए कहने तो का मतलब वह तीन यूनिट है इसमें से आप इम्पोर्टेंट जीव विज्ञान शिक्षण का क्या अर्थ प्रकृति क्षेत्र है उसका अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है समझ गए परिचर्या निर्माण प्रचलन शिक्षक के गुण या पाठ्यपुस्तक के गुण और शिक्षण विधि ये सब बहुत विधि है ये सब आपका आता ही आता है समझ गए ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब आपके एग्जाम में आता है बाद बाकी जो बेटर बढ़ गया उसका बहुत जल्द हम करवा देंगे समझ गए थैंक यू